हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत। प्यारे साथियों, मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप डिस्कशन एंड साइको के टॉपिक्स कराने वाला हूँ। यदि आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ, कोई आपको बाहर नहीं कर सकता। एक दो दिन का जो बीच में मेरा गैप हो जाता है, कंसिस्टेंटली मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप, मैं कोशिश करूँगा कि आपका एयरफोर्स का रिजल्ट आने से पहले लगभग मोर देन 30 टॉपिक्स को मैं अपलोड कर चुका हूँगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, एयरफोर्स फेज सेकेंड GD एंड SRT 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट GD टॉपिक सीरीज, ओके। जो GD टॉपिक सीरीज चल रही है उसका टॉपिक कौन सा है? 8वां टॉपिक होने वाला है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्स एजुकेशन फॉर माइनर्स शुड बी अलाउड और नॉट। प्यारे साथियों, सेक्स एजुकेशन माइनर्स के होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मतलब सर, सेक्स एजुकेशन फॉर माइनर्स शुड बी अलाउड और नॉट, और इट्स सर सेक्स एजुकेशन फॉर माइनर्स इज गुड और बैड फॉर डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया, ओके। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं आप सबको बताता हूँ, जैसे ही आप डिबेट के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए जाओगे एयरफोर्स के लिए, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बोलना होगा। इंट्रोडक्शन के साथ में ही आपको अबाउट द टॉपिक बोलना होता है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको बहुत ही इफेक्टिवली इंट्रोडक्शन बताना है। यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आफ्टर दैट यू हैव टू टेल अबाउट द टॉपिक, एंड आफ्टर दैट You have to, all of the 15 candidates have to participate in a group discussion, okay? And in which you have to share your perspective and you have to take your stand yourself and you have to share your opinions, okay? So first of all, आपको क्या करना होता है? सबसे पहले introduction बोलने के बाद में मैंने आपको बता दिया कि introduction कैसे तैयार करना है। एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है और दूसरा वीडियो मैं जल्दी इंट्रोडक्शन पर ही बनाने वाला हूं, तो प्लीज आप उसे जरूर देखिएगा। अबाउट द टॉपिक, प्यारे साथियों, इसका अबाउट द टॉपिक क्या होगा? डियर ऑल फ्रेंड्स, वी आर हेयर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक सेक्स एजुकेशन फॉर माइनर्स शुड बी अलाउड और नॉट, और सर अलाउंग सेक्स एजुकेशन को अलाउ करना फॉर माइनर्स वुड बी बेनिफिशियल और नॉट। प्यारे साथियों, यहाँ हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि सर, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम है, हमारी गवर्नमेंट ने सेक्स एजुकेशन को अलाउड नहीं किया है माइनर्स के लिए, तो सर ये अलाउ करना सही है या गलत है, या सेक्स एजुकेशन को अलाउ करना वो बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा फॉर डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया? क्लियर? प्यारे साथियों, आप अगली लाइन बहुत अच्छे बोल सकते हो यहाँ पर। डियर ऑल फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो दैट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, सो सेक्स एजुकेशन फॉर माइनर्स हैव also some positive as well as negative aspects. As we all know that every coin has two sides. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, dear friends, आप बच्चों में बोल सकते हो। इसलिए ये आपका sex education for minors भी कुछ positive और negative aspects हैं। सबसे पहले आप merits की बात करते हो कि sir, sex education for minors क्यों ठीक है, अलाउ होना चाहिए इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा बोल सकते हो कुछ नेगेटिव पर्सपेक्टिव, सर सेक्स एजुकेशन को माइनर्स के लिए अलाउ करना हानिकारक भी हो सकता है, ठीक है ना, उसके डिमेरिट्स या ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। तो मैं बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आपको यहाँ जो लाइनें बता रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पर हैं, प्लीज़ यहाँ तक ये आपको नोट डाउन करना है कॉपी में। इसके बाद प्लीज़ कॉपी और पेन को निकाल लीजिएगा, पढ़ने का अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। और प्यारे साथियों, यहाँ आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सारा टॉपिक कंप्लीट आपको देखना है। और यदि आप मेरिट्स की बात करेंगे कि सर मेरिट्स क्या हैं, तो अब हम पढ़ने वाले हैं सर, इफ़ आई टॉक पॉजिटिवली, जब भी आप इनिशिएट करेंगे ग्रुप को, ठीक है, इफ़ यू वांट टू इनिशिएट और इनिशियलाइज द ग्रुप, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द होल ग्रुप टुगेदर, ओके, यू हैव टू लीड द ग्रुप and you have to listen also for all candidates who are participating in the group, okay? आपको ये बात समझनी पड़ेगी, दूसरे की बातों को सुनना भी है। फिश मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, जब भी आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिश मार्केटिंग मतलब आपसे, आपको आपस में लड़ना नहीं है, सभी को मौका देना है, अपना नंबर खुद लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक योर स्टैंड योर सेल्फ, योर परसेप्शन शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड रिलीवेंट टू द टॉपिक्स, जो आप क्या टॉपिक्स बोल रहे हैं उसी के रिलीवेंट होना चाहिए, ठीक है ना। और सर, अब मैं पॉजिटिवली बात करता हूं तो पहले मैं पढ़ा देता हूं क्या क्या लाइन है। सबसे पहली लाइन क्या है सर, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, आप बोल सकते हैं डियर फ्रेंड्स, या इन माय पॉइंट ऑफ व्यू सेक्स एजुकेशन फॉर माइनर्स शुड बी अलाउड बिकॉज
सेक्स एजुकेशन क्या करेगा सर? मेक्स सेक्स एजुकेशन मेक्स माइनर्स एनफ टू डील विद द सेक्सुअल हरासमेंट। सर जिन बच्चों के साथ में बचपन में यौन शोषण के जो शिकार हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के जो शिकार होंगे, यदि उन्हें बचपन में ही सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी तो उन्हें उनके बचपन में जो सेक्सुअल हरासमेंट के शिकार हुए हैं उनसे वो इजिली डील कर पाएंगे। यदि उन्हें हमारे सिलेबस में ही पढ़ा दिया जाए कि यदि आपके साथ कोई भी कुछ ऐसा करता है तो आप अपने मम्मा पापा से, जब उन्हें एजुकेशन में ही बता दिया जाएगा तो प्यारे साथियों सेक्सुअल हरासमेंट को रोका जा सकता है। क्लियर? सबसे पहला बड़ा एडवांटेज क्या होगा सेक्स एजुकेशन का? सेक्स एजुकेशन मेक्स द माइनर एनफ टू डील विद द सेक्सुअल हरासमेंट। क्लियर? नोट डाउन करिए, मेरे साथ बोलना शुरू करिए भाई, बहुत जल्दी मैं लाइव क्लासेस लेके आने वाला हूं, ठीक है ना, ग्रुप डिस्कशन साइको के लिए और बाकी के सारे कंप्लीट कोर्स के लिए, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आप कैसे बोल सकते हैं? ऑल्सो डियर फ्रेंड्स आई एम एग्री विद यू, स्क्रीन पर देखिए गाइस, प्लीज नोट डाउन करना शुरू करिए और बोलना शुरू करिए। ऑल्सो डियर फ्रेंड्स आई एम सेटिस्फाइड विद यू, सेक्स एजुकेशन मेक्स द स्टूडेंट कंफर्टेबल अबाउट द सेक्सुअल चेंजेस इन देयर बॉडीज। प्यारे साथियों जो हमारी बॉडीज में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जब भी 10 साल 12 साल के बाद हमारी बॉडीज में कुछ सेक्सुअल हार्मोन्स की वजह से चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, तो यदि हमें शुरुआत में ही हमारे सिलेबस में हमारे पढ़ाई में ही हमको बता दिया जाएगा तो प्यारे साथियों जिन बच्चों को दिक्कत आती है सेक्सुअल चेंजेस के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं होगा और वो इजिली उससे क्या कर पाएंगे, डील कर पाएंगे, कंफर्टेबल हो पाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को आपको पता होना चाहिए जब भी बॉडी में चेंजेस आते हैं तो वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, ठीक है ना, कि क्या है कैसे है, और इसीलिए बाद में उन्हें रिग्रेट होता है कि यार ये क्या हो गया, ऐसा पता नहीं था। प्री मैच्योर डिलीवरी केसेस, बहुत सारे जो केसेस हो जाते हैं और उससे बचाया जा सकता है। और थर्ड लाइन क्या है, बहुत ही अच्छी लाइन है, ऑल्सो डियर फ्रेंड्स आप बाकी लोगों की सुन सकते हैं, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी सुन सकते हैं और उसके बाद आप फिर से बोल सकते हैं, यस डियर फ्रेंड्स आई एम एग्री विद यू, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू सेक्स एजुकेशन शुड बी अलाउड फॉर माइनर्स बिकॉज। तीसरा क्या बोल सकते हैं सर, सेक्स एजुकेशन वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेक्स क्यूरियोसिटी इन द रॉ माइंड। हाँ, हमारा जो युवा है, हमारे देश के जो छोटे बच्चे हैं उनके दिमाग में जो सेक्स का जो भूत बना हुआ है, सेक्स क्यूरियोसिटी को जानने के बारे में जो बहुत ज़्यादा जटिलता है वो बहुत आसान हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि हमें सेक्स एजुकेशन में पहले ही पढ़ा दिया जाएगा सारी चीज़ें। तो जो हमारे रॉ माइंड में जो एक अपरिपक्व, एक जो बहुत ही इमेच्योर्ड हमारा जो ब्रेन या हमारा जो दिमाग है उसमें बहुत ही फितूल भरा रहता है अबाउट द सेक्स के बारे में, वो प्यारे साथियों निकाला जा सकता है, मतलब बच्चे सेक्स क्यूरियोसिटी के बारे में इजिली डील कर पाएंगे। क्लियर हुआ? आप आगे और शेयर रख सकते हो, ऑल्सो डियर फ्रेंड्स या आई एम एग्री विद यू, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू सेक्स एजुकेशन वुड बी अलाउड फॉर माइनर्स फॉर डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बिकॉज क्या करेगी ये, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर रिड्यूसिंग, ये सहायता करेगी कम करने में, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर रिड्यूसिंग मैनी क्राइम्स लाइक प्री मैच्योर डिलीवरी केसेस, चाइल्ड हरासमेंट एंड सर रेप केसेस। ओके, मतलब सर जो प्री मैच्योर डिलीवरी केसेस होते हैं, रेप केसेस होते हैं और जो चाइल्ड हरासमेंट होगा उनके बारे में क्या किया जा सकता है, उन्हें कम किया जा सकता है, क्योंकि हमें पहले ही एजुकेशन दे दी जाएगी तो जो हमारे प्री मैच्योर डिलीवरी केसेस में बहुत सारी जो घटनाएं हो जाती हैं, हमारे साथ जो चाइल्ड हरासमेंट होता है, बच्चों का शोषण होता है, उसे रोका जा सकता है, बहुत सारे क्राइम्स को कम किया जा सकता है। और लास्ट लाइन आप बोल सकते हो, इफ यू वांट टू सी द ड्रीम ऑफ अ डेवलप्ड नेशन और टू बी अ डेवलप्ड नेशन, सब सेक्स एजुकेशन फॉर माइनर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। प्यारे साथियों सेक्स एजुकेशन किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए, सेक्स एजुकेशन फॉर माइनर्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी उस कंट्री को डेवलपिंग स्टेज से और डेवलप्ड स्टेज ले जाने में। जब ये बताइए किसी भी देश का यदि युवा यूथ अच्छा होगा, यदि युवा अच्छा होगा तो ये बताइए वो देश कहाँ, क्या टाइम लगेगा उसे डेवलप्ड कंट्री बनने में? नहीं लगेगा। टोटल जो कंट्री की जो सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं वो होती है युवा पर, नेक्स्ट जनरेशन पर, भावी जो पीढ़ी होती है, और यदि वही अच्छी होगी तो प्यारे साथियों वी कैन सी द ड्रीम ऑफ अ डेवलप्ड नेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, आप कॉपी पेन निकालिए और प्लीज़ नोट डाउन करिए, ठीक है ना।
यदि आपने पार्टिसिपेट कर लिया है 2 से 3 बार, ठीक है, और आप इसके अगेंस्ट भी बोलना चाहते हैं तो याद रखिए, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्या इसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते या किसी चीज़ के पॉजिटिव बोल के नेगेटिव नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? जिस चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं दुनिया में, जिस चीज़ के फायदे और नुकसान दोनों हैं, तो क्या वो गलत थोड़े ही हैं? यदि आप मेरिट्स बोल रहे हो तो आप डीमेरिट्स अनडाउटेडली बोल सकते हो, कुछ भी गलत नहीं है। बट आपको इस तरह से बोलना पड़ेगा कि डियर फ्रेंड्स, या आई एम एग्री विद यू, ओके, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू सेक्स एजुकेशन फॉर माइनर्स शुड बी अलाउड। वैसे तो ये जरूरी होनी चाहिए, बट सेक्स एजुकेशन फॉर माइनर्स मे हैव ऑल्सो सम मेजर ड्रॉबैक्स। कुछ कमियां भी हो सकती हैं, इसके कुछ घाटे भी हो सकते हैं। क्या क्या होंगे आप लिख सकते हो, या डियर फ्रेंड्स इफ आई टॉक नेगेटिवली, यहां पे क्या लिखेंगे, डियर फ्रेंड्स इफ आई टॉक नेगेटिवली, यदि आप इसके बारे में डिमेरिट्स की बातें कर रहे हो तो डिमेरिट्स के बारे में भी बोला जा सकता है। क्या क्या डिमेरिट्स हो सकती हैं स्क्रीन पर देखिए, नोट डाउन करिएगा और फिर उन्हें बोलने की कोशिश करिएगा मिरर प्रैक्टिस के सामने, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डियर फ्रेंड्स, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू सेक्स एजुकेशन शुड बी अलाउड, बट सर सेक्स एजुकेशन हैव ऑल्सो सम मेजर ड्रॉबैक्स। सर इफ आई टॉक नेगेटिवली, सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट क्या, सेक्स एजुकेशन क्रिएट्स मेज। मेज किसे कहते हैं, मतलब भ्रम। नोट्स देखिए, ये हमारे दिमाग में, बच्चों के दिमाग में, सेक्स एजुकेशन क्रिएट्स मेज इन द माइंड ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे के दिमाग में भूत पैदा कर सकती है। एंड चिल्ड्रंस कैन और मे डाइवर्ट फ्रॉम देयर अदर इंपॉर्टेंट स्टडी एंड करियर। और हो सकता है कि बच्चे सेक्स एजुकेशन को यदि अलाउ कर दिया गया तो उसको पढ़ के न बजाय उसका पॉजिटिव साइड में जाके नेगेटिव साइड में जा सकते हैं, और वो अपने इंपॉर्टेंट स्टडी और करियर से क्या हो सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी से डाइवर्ट हो सकते हैं, डाइवर्जन में जा सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर सेक्स एजुकेशन क्रिएट्स मेज इन द माइंड ऑफ अ चाइल्ड और चिल्ड्रंस, एंड दे कैन डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर अदर इंपॉर्टेंट स्टडी एंड करियर। एंड ऑल्सो डियर फ्रेंड्स, सेक्स एजुकेशन प्रोवोक, मतलब उकसाएगा स्टूडेंट्स टू इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्टिविटीज। हो सकता है सर सेक्स एजुकेशन पढ़ने के बाद बच्चा सेक्सुअल जो यौन गतिविधियां हैं उनमें ज़्यादा शामिल हो जाए, सेक्सुअल एक्टिविटीज में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, और वो क्या हो सकता है, सेक्स एजुकेशन प्रोवोक्स कर सकती है स्टूडेंट्स को टू इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, एंड बाय विच ही कैन लूज हिज फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। हाँ, हो सकता है सर सेक्स एजुकेशन बच्चा पढ़ने के बाद उसका पॉजिटिव साइड ना लेके बल्कि नेगेटिवली चला गया तो उसका फिजिकल, मतलब शारीरिक विकास के साथ साथ उसके मानसिक विकास पर भी बहुत असर पड़ेगा। हो सकता है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में क्या हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए, इंडल्ज हो जाए बहुत ज़्यादा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा पॉइंट क्या हुआ, डियर फ्रेंड्स, सेक्स एजुकेशन में प्रोवोक्स स्टूडेंट्स इन वेरियस सेक्सुअल एक्टिविटीज एंड बाई विच ही कैन लूज हिज फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट देखिए, इसकी कमियाँ क्या हैं, क्यों नहीं होना चाहिए? इंडिया में सेक्स एजुकेशन अभी अलाउड नहीं है सिलेबस में, माइनर्स के लिए अलाउड नहीं है। तो सर इन माई पॉइंट ऑफ व्यू द सिलेबस इज अकॉर्डिंग टू द एज एंड सेक्स एजुकेशन इज आउट ऑफ सिलेबस इन अवर कंट्री, सो दैट्स वाई सर सेक्स एजुकेशन शुड नॉट बी अलाउड फॉर माइनर्स। मतलब जब गवर्नमेंट ने ही सेक्स एजुकेशन को माइनर्स के लिए मना कर रखा है, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो सर फिर हम सेक्स एजुकेशन को माइनर्स के लिए कैसे ला सकते हैं? इसका मतलब कुछ ना कुछ कमियां हैं, गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है, मतलब माइनर्स के सिलेबस में सेक्स एजुकेशन को अलाउड नहीं किया गया है। तो आप बोल सकते हो, डियर फ्रेंड्स आई एम एग्री विद यू, बट सेक्स एजुकेशन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू शुड नॉट बी अलाउड बिकॉज सर In our study, sex education is out of syllabus and government has already prohibited or restricted sex education for in the syllabus or in the study of minors. Okay? And last up, क्या कह सकते हैं sir? Also, sex education may generate many diseases or many crimes, disease, many kinds of crime like acid cases, sir, rape cases and child harassment. जैसा कि भाई सेक्स एजुकेशन चाइल्ड हरासमेंट से बचा भी सकता है और उसको बढ़ा भी सकता है। सर सेक्स एजुकेशन माइनर्स के लिए रेप केस और चाइल्ड जो हरासमेंट होगा उसको कम भी करेगा, लेकिन इसके हो सकता है यदि बच्चा नेगेटिवली सेक्स एजुकेशन को पढ़ने के बाद वो नेगेटिवली चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा और वो उसका नेगेटिव भी
एडवांटेज या फायदा लेके समझ के वो उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, लेकिन तब तक किसी भी ग्रुप डिस्कशन में नहीं बोला जा सकता जब तक कि आपके पास कंटेंट्स नहीं होगा। और कंटेंट तभी होगा जब कॉपी पेन निकाल कर आप नोट डाउन करेंगे। मैं बहुत ही स्पेसिफिकली पढ़ा रहा हूँ, मैं 10 पेज भी पढ़ा सकता हूँ लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है। तो प्यारे साथियों, अभी ये बताइए कि यदि आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो फिर बोलेंगे कैसे, ठीक है ना? तो चलो मैं बोलता हूँ, ठीक है ना? सबसे पहले आपको वहाँ पे इंट्रोडक्शन, अबाउट द टॉपिक और ये सब बोलना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद में अबाउट द टॉपिक। सभी बच्चों को चेस्ट नंबर वाइज बोलना है। सपोज करो कि मैं इंट्रोडक्शन बोलता हूँ, मैंने इंट्रोडक्शन अपना बोल लिया, ओके? उसके बाद में अबाउट द टॉपिक कैसे बोलूंगा? डियर ऑल फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग और वेरी गुड आफ्टरनून और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू द टॉपिक इज रिलेटेड टू सर द सेक्स एजुकेशन फॉर माइनर्स शुड बी अलाउड और नॉट, और सर अलाउंग सेक्स एजुकेशन फॉर माइनर्स वुड बी बेनिफिशियल और नॉट फॉर अवर डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया। Dear friends, as we all know that every coin has two sides, so sex education for minors, sir, have also or may have also some major merits and demerits. Sir, if I talk positively, sir, sex education for minors would be very beneficial because it makes minors enough to deal with the sexual harassment. And also, dear friends, sex education makes a student comfortable about the sexual changes in their bodies. यदि आपने दो पॉइंट शेयर कर लिए, बोल लिए, अच्छे से बोलना है आपको, ठीक है? जल्दबाजी नहीं, आप दूसरे की भी सुन सकते हैं, सुनिए उसकी, ये नहीं कि बस आप ही बोले जा रहे हैं, फिर आप दोबारा बोल सकते हैं, यस डियर फ्रेंड आई एम एग्री विद यू बट सर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू सेक्स एजुकेशन क्या करेगी। पहले दो पॉइंट क्या हुए, सेक्स एजुकेशन क्या करेगी? सर सेक्स एजुकेशन रिड्यूसेस और मे रिड्यूस सर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेक्स क्यूरियोसिटी इन रॉ माइंड। एंड ऑल्सो डियर फ्रेंड्स, सेक्स एजुकेशन वुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। इफ वी वॉन्ट टू सी अ कंट्री फ्रॉम और इफ वी वॉन्ट टू सी अ चेंजिंग फ्रॉम अ कंट्री फ्रॉम डेवलपिंग टू अ डेवलप्ड स्टेज, देन सेक्स एजुकेशन फॉर माइनर्स सर और अलाउंग सेक्स एजुकेशन फॉर माइनर्स वुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और एक और लाइन आप क्या बोल सकते हैं इसमें? सर जो सेक्स एजुकेशन होगा क्या करेगा? सेक्स एजुकेशन सर वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर रिड्यूसिंग मेनी क्राइम्स लाइक चाइल्ड डिलीवरी, प्रीमैच्योर डिलीवरी केसेस, सर रेप केसेस, चाइल्ड हरासमेंट्स। एंड अब आप दूसरे की सुन सकते हैं जो बच्चे बोल रहे हैं, और भी बच्चों को सुनिएगा, उसके बाद फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो दैट सेक्स एजुकेशन शुड बी अलाउड बट इट हैव और इट मे हैव ऑल्सो मेजर ड्रॉबैक्स, कुछ कमियां भी हो सकती हैं। हाथों को इधर उधर ऐसे नहीं करना है, बफलिंग ऑफ हैंड्स इज नॉट अलाउड, ठीक है? नॉर्मली आपको बोलना है सर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू सेक्स एजुकेशन शुड नॉट बी अलाउड बिकॉज सेक्स एजुकेशन कैन क्रिएट मेज इन द माइंड ऑफ अ चाइल्ड एंड मे बी सर चाइल्ड कैन डिस्ट्रैक्टेड और डाइवर्टेड फ्रॉम देयर अदर इंपॉर्टेंट स्टडी एंड करियर। And dear friends, also sex education may provoke students to indulge or involve in sexual activities. And by way, sir, children can lose their physical as well as mental development. And dear friends, according to Government of India, sex education is out of syllabus. Okay, so because sir, sex education is not in our syllabus because government has already prohibited and restricted sex education for minors in our syllabus. So sir, in my point of view, sex education should not be allowed. And maybe sir, it would also may increase the cases of many kinds of crimes like sir, child harassment and sir, like rape cases and etc. etc. Okay. इस तरह से आपको पार्टिसिपेट करना होगा और मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं, कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता। हमारे एयरफोर्स रिजल्ट आने के बाद गारंटेड बैचेज स्टार्ट होंगे एयरफोर्स जीडी एंड एसआरटी के लिए, ओके? आप आ सकते हैं और ये मैं गारंटेड बोल सकता हूं। पिछले
चार साल के एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपसे फीस भी नहीं लूंगा, जो भी लूंगा यदि वो सिलेक्शन नहीं होगा तो पूरी फीस वापस की जाएगी। गारंटेड बैचेज स्टार्ट होंगे हमारे पास, ठीक है ना। मेरी एकेडमी मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है, तो आप आ सकते हैं। और गारंटेड बैचेज जीडी साइको के लिए स्टार्ट होंगे और फिजिकल के लिए, उसके लिए आप प्रिपरेशन करने के लिए आ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पूरा मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ अपना प्रचार कर रहा हूँ, सारा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। आप यहाँ से भी पढ़ना चाहते हैं, बहुत दूर के लोग हैं जो नहीं आ सकते, प्लीज आप इसको फॉलो करिए। मैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करूंगा, आप बस इन्हें पढ़ लीजिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। बाकी आपके इटर्नल लव और सपोर्ट के लिए तो मैं क्या कहूं, आपने बहुत सपोर्ट किया है। और प्यारे साथियों, कुछ गलतियां होती हैं मुझसे तो प्लीज माफ करिएगा, मैं सारे कमेंट्स का वैसे कोशिश कर रहा हूं रिप्लाई करूंगा लेकिन नहीं कर पाता हूं, बहुत ज्यादा हो जाता है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करिएगा, तभी अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। कुछ लोग जो आए हमारा जुड़ाव है दिल का, एक्चुअली भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।